रहा है कि एक तरफ तहरीके तालिबान पाकिस्तान इनको कांटेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, दूसरी तरफ इंडियन व्हाट्सएप मैसेजेस जो हैं या व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वो इनको सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं, और तीसरी तरफ हमें पता है कि अफगानिस्तान के अंदर तहरीके तालिबान। हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। हम फिर वापस आ गए हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। गाइस अगर आप इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में आखिरी में बात। पाकिस्तान ने कुछ मामलात सामने रखे, कहते हैं कि 40 पुलिस गाड़ियां जलाई गई, करोड़ों का प्राइवेट लोगों को नुकसान हुआ जो तोड़फोड़ की, यहां 4 पुलिस के लोग शहीद हुए, 800 जख्मी हुए, तकरीबन 100 के करीब रोड्स पहले दिन ब्लॉक की गई जिसकी वजह से अरबों का नुकसान हुआ, फिर 4,00,000 ट्वीट्स के अंदर से 70% ट्वीट्स जो है वो जाली निकली, फेक अकाउंट से निकली। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जैन साहब जो मुझे इसमें लगी वज़ीर आज़म साहब के पूरी स्पीच के अंदर, 380 व्हाट्सएप ग्रुप्स भारत की तरफ से ये तरवीज कर रहे थे इस बात की कि पाकिस्तान में सिविल वॉर हो गई। क्या जाने अनजाने में हमारे अपने लोग दुश्मन के आलाय कार तो नहीं बन गए? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए सिर्फ यही अकाउंट्स नहीं, मैं नाम लेता हूं पाकिस्तान के अपने लोग, कुछ यहां और कुछ जो बाहर जाके बैठ के भारत से पैसे लेके तो काम करते हैं। हुसैन अकानी का ग्रो है, वो एक मजमून ग्रो, 7 फोरम, ताहा सिद्दीकी, उसने वो जाली जो के किसी फेक यूनिफॉर्म में दिखाया हुआ कि ये आर्मी का अफसर है, जवान है, वो रोना रो रहा है। फिर वो गुलबुखारी, सिविल वॉर का सबसे पहले उसने आर्टिकल लिखा, पाकिस्तान में सिविल वॉर, इंग्लिश में आर्टिकल लिखा, फिर भारत में ये काम शुरू हो गया। और भी मैं चंद एक नाम इस वक्त जेहन में नहीं, लेकिन बाहर से ये काम कर रहे हैं। ये वो खबीस लोग हैं जो कि अपने ही मुल्क जिसने इनको परवान चढ़ाया वो उसकी जड़ें काटने के लिए मसरूफ रहते हैं। ये क्या चीज है, क्यों ये करते हैं, वल्ला आलम। लेकिन एक चीज वाजे है कि आस्तीनों में हमेशा सांप मुसलमान देखते भी रहे और उनको कुचलना भी चाहिए। रही बात यहां पे, तो आप देखिए कि मुफ्ती मुनीब, कभी उन्होंने ये हड़तालों की और ये बातें नहीं की, लेकिन आज उनको दुख है कि उनको रुयते हलाल कमेटी से क्यों हटाया गया। जिस दिन से उनको रुयते हलाल कमेटी से हटाया गया है वो शर पसंदी पे उतरे हुए हैं और वो इसी तरह का काम कर रहे हैं। रियासत के साथ जो कुछ किया जा रहा है उसकी बात किसी ने नहीं की, लिहाजा ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले ये काम नहीं किया, लेकिन जब ये रुयते हलाल से निकले हैं तो इन्होंने ये शुरू किया। इसी तरह जब मौलाना फजल रहमान PMLN के साथ उनके इत्तेहादी थे और फैजाबाद का धरना हुआ इसलिए कि कादियानियों को एक नया एफिडेविट दिया गया जिसके ऊपर पूरी कौम सरापा एहतजाज थी, मौलाना फजल रहमान उस वक्त नहीं बोले, उस वक्त वो उसके साथ थे और इन्होंने उस धरने में मुखालफत की, लेकिन उस धरने की कोई वजह मौजूद थी कि आपने एक जो बाहर के प्रेशर की वजह से कादियानियों को एक नया हल पकड़ा दिया। अब इसकी बुनियाद पे उस वक्त खामोशी, और आज जब मुल्क जलना शुरू हुआ तो जनाब ये उसमें जाके तो कूद पड़े उस आग में। तो ये वो मुनाफकत है जिसकी वजह से आपका मुल्क जो है वो किसी ना किसी मसले का शिकार रहता है, क्योंकि खलूस नहीं है अंदर। राइट। अब जहां तक इसका ताल्लुक है, ये जो मुजाहरे हुए या जो कुछ भी हुआ, अगर आप सुनते तो एक तरफ लब्बैक और उसके साथ ही मां बहन की गालियां उसी जबान से वही शख्स। तो ये जब भी इस तरह का कोई हजूम होता है, ये जरूरी नहीं है कि सारे लोग जो है वो वाकई बामकसद बात कर रहे हों, आशिकाने रसूल हों। फिर मैं इसको एक हद तक समझता हूं इस वजह से कि हम सब मुसलमान हैं, क्या हम किसी से कम मोहब्बत रखते अपने नबी से? क्या हमें हमारी जान कुर्बान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे? जान साहब, लेकिन एक सवाल फिर दूसरी तरफ से भी उठता है, वो ये कि क्या हुकूमत को इतना ज्यादा हैवी हैंडेडनेस करनी चाहिए थी इन लोगों के साथ,
या मुज़ाकरात से ही मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए था। वैसे तो वज़ीर आज़म साहब ने बोला कि हमने हर तरह से बात करने की कोशिश कर ली थी, लेकिन इनका इरादा बड़ा पक्का नज़र आ रहा था। 20th डेडलाइन थी, यानी कल डेडलाइन ख़त्म होनी है, और उससे पहले ही यह हंगामा आराई शुरू हो चुकी थी। जैन साहब, क्या कोई और तरीका, क्योंकि सवाल सोशल मीडिया पर भी बड़ा उठाया जा रहा है, क्या क्या कोई तरीका, कोई और वे आउट हो सकता था इस तमाम सूरत हाल से बचने के लिए? देखिए, हमेशा मुज़ाकरात की तरफ ही जाना चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात जो है वो बहुत पहले शुरू हो जाने चाहिए थे, जबकि हुकूमत को अंदाजा था। इसमें हुकूमत ने थोड़ा लेट किया, जिसकी वजह से ये मामला हाथ से निकले। मुझे ये पूरे वसूख से पता है कि GHQ ने इस हुकूमत को भी यही मशवरा दिया था जो पहली हुकूमत को दिया था कि आप वायलेंस की तरफ ना जाएं, बल्कि मुज़ाकरात से, बातचीत से इस मसले को हल करें। अब मुज़ाकरात हो रहे हैं और मेरा अपना अंदाजा है कि उसमें फौज पाकिस्तान भी उनकी मदद कर रही है। तो मुज़ाकरात ही एक रास्ता होता है, क्योंकि बाद में भी या जब भी कभी आप करेंगे होगी तो बातचीत ही। सो अगर कोई अनरीजनेबल है, उसके कोई डिमांड्स मुख्तलिफ हैं, कुछ है, तो आप मुज़ाकरात लंबा हो जाते हैं, खिंच जाते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि आप मुज़ाकरात को टूटने दें। अकलमंदी का तकाजा यही है। फिर जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर देते हैं तो वो भी एक गलत रास्ता है, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी थी और पॉलिटिकल पार्टी मजहबी पॉलिटिकल पार्टी थी दूसरी पार्टीज की तरह। अब इसमें अगर आप उसको बैन कर दें तो आपने देखा कि फौरी तौर पे इनको कांटेक्ट किया है वहां से TTP ने, और TTP ने इनकी हमायत का ऐलान किया। अब अगर इनके लोग अंडरग्राउंड चले जाएं, TTP के हत्थे चढ़ जाएं, टेररिज्म शुरू हो जाए, तो आपने क्या किया? अच्छा जान साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट हियर। यहां एक नेक्सस बनता हुआ नजर आ रहा है कि एक तरफ तहरीके तालिबान पाकिस्तान इनको कॉन्टेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, दूसरी तरफ इंडियन व्हाट्सएप मैसेजेस जो हैं या व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वो इनको सपोर्ट करते हुए यहाँ पर होता है ख़त्म। आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जो मची हिंसा है, हंगामे हैं, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारी लाइव TV में सामने आए और ले देकर उन्होंने भारत पर भी आरोप लगाए। आपको बता दूँ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फ्रांस से लेकर जो भी मुद्दे हैं उस पर एक क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि पाकिस्तान फ्रांस के एम्बेसडर को वापस नहीं भेजने वाली है, ये उन्होंने क्लियर बोल दिया है। और जो सामने वाली पार्टी जो प्रोटेस्ट कर रही है, उनकी यही डिमांड है कि आप फ्रांस के सफीर को यहाँ से निकालें। तो अब 20 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया है कि भैया हम फ्रांस के सफीर को या तो मारेंगे या तो वहाँ की बिल्डिंग पे हमला करेंगे। अब देखते हैं आने वाले समय में होता है क्या। तो गाइस, इस वीडियो में आप देख रहे थे अनिका निसार को। अनिका निसार आप जानते होंगे दोस्तों, पाकिस्तान की एक एंकर हैं, जैसे मेरे जैसे ही कुछ यूट्यूबर्स ने काफ़ी फेमस किया है पिछले कई सालों से, और ये मतलब फेमस हुई है भारत के खिलाफ इसी तरीके की न्यूज़ चला चला कर। तो इस वीडियो में भी आप देख रहे हैं इनका नेक्सस तालिबान इंडिया, ये वो जवाना फलाना ठिकाना बताकर फिर इन्होंने ब्लेम दे दिया भारत को। तो ये ब्लेम गेम तो खैर बहुत समय से चल रहा है, ये ब्लेम गेम। आपको बता दूं, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है अपनी गलतियों से कभी भी सीखना नहीं चाहता है। पाकिस्तानियों को भी पता है कि ये पूरी तरह से पाकिस्तानियों का ही आंदोलन है, इसमें इंडिया का कोई हाथ नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया में इंडियन ट्रोल्स और कई लोग जैसे मेजर गौरव आर्या लोग मज़े ले रहे हैं, भाई क्यों ना ले, ये तो ज़रूरी है। पाकिस्तान, जब इंडिया में किसान प्रोटेस्ट होता हो रहा था, पाकिस्तानी कितने मज़े ले रहे थे। पाकिस्तान इंडिया में जब दिल्ली में राइट्स हुए थे, पाकिस्तान कितने मज़े ले रहे थे। तो ये तो आप पता, इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते ऐसे हैं कि ये तो चलता रहेगा, ये कभी नहीं रुकेगा। तो उसको लेकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी स्पीच में बोल दिया कि इंडिया के अकाउंट से ऐसी बातें हो रही थी। मतलब क्या बेवकूफ़ इंसान है ये, मुझे समझ में नहीं आता इमरान खान। और इसका कोई स्पीच राइटर है कि नहीं है, कौन इसकी स्पीच लिखता है, कौन ये व्हाट्सएप वगैरह पे इसको कोई चैट सेंड कर देता वो ही पढ़ लेता है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो गाइस, ये थी प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम आज पाकिस्तान की मीडिया में, मतलब इंडियन ट्रोल्स बहुत मज़ा ले रहे थे, इंडिया बहुत मज़े ले रहे थे पाकिस्तान में, इंडिया भी या रसूल या अल्लाह ऐसे मतलब नारे लगाने लगे, मज़े लेने लगे। तो ये मज़े लेने के लिए किया गया था, और उसने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये अपनी स्पीच में बोल दिया। तो ये थी सिचुएशन गाइज। अब देखते हैं सिचुएशन क्या बनती है वहाँ की। अभी तो सिचुएशन गेम तो लंबा जाएगा, क्योंकि जो तहरीक लब्बैक पार्टी के वर्कर हैं वो ऐसे मानने वाले नहीं हैं, और या तो फिर जो इनका लीडर साद रिज़वी, जिसको ये आप
सेंटर पिक्चर में देख रहे हैं जिसको अंदर किया हुआ है, या तो इसको जेल में बंदी किया हुआ है, इससे कोई मतलब नेगोशिएशन हो जाए, बातचीत हो जाए कि भाई क्या आप अपने जो वर्कर्स हैं उनको क्या कर दें, ठंडा कर दें, घर लौट जाएं, वो सब जो तोड़फोड़ कर रहे हैं बंद कर दें, तो फिर बात बन सकती है। मतलब इसको कुछ ऐसा इंजेक्शन दें तो इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए और कुछ ऐसी बातें ये भूल जाए, एक यही रास्ता है। नहीं तो पाकिस्तान के पास अब कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, ये लोग तो बहुत एग्रेसिव दिख रहे हैं। तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।